और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताएं, आतंकियों ने ग्रेनेड से यहां पर हमला किया, 6 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए 2 लोगों को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है, ग्रेनेड से यहां पर हमला किया गया है, हालांकि सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, ग्रेनेड से अटैक जिसमें 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में ये हमला। और फारूक वाणी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। फारूक, एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया है, 6 लोग जख्मी हुए हैं, क्या स्थिति इन 6 लोगों की और क्या कुछ अपडेट, किसने हमला किया है ये? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये जो उत्तरी कश्मीर बांदीपुरा है वहाँ सुंबर इलाके में एक सोमो स्टैंड है, वहाँ पे ग्रेनेड दागने की कोशिश की गई थी मिलिटेंटों के द्वारा सिक्योरिटी पार्टी पर, लेकिन ग्रेनेड जो है टारगेट पे नहीं गया और फट गया, इसकी वजह से लोग जो है घायल हो चुके हैं और उपचार के लिए उन्हें कुछ लोगों को जो है बांदीपुरा अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनमें से 2 को श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो अनुसार कहा जा रहा है कि सभी घायलों की हालत जो है स्टेबल है और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और बड़े पैमाने पर जो तलाशी अभियान है अब शुरू कर दिया गया है। इस बीच जो रोड बांदीपुरा से आगे जाता है उसको भी फिलहाल जो है यातायात ये बंद कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन इस इलाके में शुरू कर दिया गया है। जी फारूक, क्या इन आतंकियों के बारे में और कोई जानकारी मिल पाई है, क्या इनका बैकग्राउंड है? चलिए संपर्क एक बार फिर से फारूक से करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से जानकारी मिली, यहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है।